हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सत्यम ऑक्सीटेक। गाइज, इस वीडियो में आप लोग से बात करने वाला हूँ। गाइज, आप लोग यूट्यूब थंबनेल को कैसे चेंज कर सकते हैं। गाइज, जब आप लोग चेंज करने जाते हैं तो गाइज वो यूट्यूब थंबनेल चेंज नहीं हो रहा है, तो चलिए गाइज इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। गाइज, सबसे पहले हम लोग को अपना क्रोम स्टूडियो खोल लेना है। यूट्यूब पर जैसे हम लोग अपना स्टूडियो ओपन करते हैं, YTO स्टूडियो ओपन हो जाने के बाद गाइज हम लोग को सिंपली से उस वीडियो में चले जाना है जिस वीडियो को हम लोग को थंबनेल चेंज करना है। गाइज, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वीडियो में मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है। गाइस, जैसे कि ये जो मेरा ऊपर से थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पे जो वीडियो दिख रहा है गाइस, जिस पे मैं सिंपल से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को गाइस दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरा थंबनेल है, थंबनेल मुझे कुछ और लगाना। गाइस, मैं यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे चेंज पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक गाइस, यहाँ पे चेंज पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो चलिए गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। गाइस, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना YTO स्टूडियो ओपन कर लेना। YTO स्टूडियो का एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। गाइस, यहाँ तो गाइस जैसे कि हम लोग सिंपली से अपना YTO स्टूडियो ओपन कर लिए हैं। YTO स्टूडियो ओपन करने के बाद हम लोग को उस वीडियो में चले जाना है जिस वीडियो को हम लोग को एडिट करना है थंबनेल। तो गाइस सिंपल से इस वीडियो पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं गाइस, जिसके सामने ऊपर में आपको पेंसिल टाइप का जो बना हुआ आइकन, उस पर क्लिक करना है। गाइस, जैसे कि हम लोग पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ये तो गाइस जैसे कि हम लोग पेंसिल आइकन पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे ऊपर में फिर से एक बार पेंसिल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लीजिए। गाइस, सिंपल सा क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि मतलब कौन सा आप थंबनेल लगाना है। गाइस, अगर नीचे से आपको तीनों में से कुछ लग रहा है डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं गाइस नहीं तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन दे रहा है। गाइस, यहाँ पे सिंपली से चेंज पे क्लिक कर देना है। चेंज पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी जहाँ भी आप थंबनेल बना के सेव किए गाइस, सिंपल सा आप उसको ओपन कर लीजिएगा। गाइस, जैसे कि मैं एक क्लिक करके दिखाता हूँ। तो गाइस सिंपल से मैं ये एक फ़ोटो ले लेता हूँ नॉर्मली, तो इसको ये बाद मुझे क्या करना है, सिंपल से डन कर। तो गाइस जैसे कि आप सिंपली देख सकते हो ऊपर सेव करने का ऑप्शन आ रहा है गाइस, तो सेव पे क्लिक कर देना है। गाइस, ये सेव पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक ये आपका रीलोड होकर आपको दिखा देगा गाइस कि थंबनेल का ये चेंज हो चुका है। गाइस, तो गाइज आप देख सकते हैं आपके आँख के सामने मैंने ये वीडियो को प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हूँ। गाइज, तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा गाइज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर गाइज कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं।